हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है योर टेक्नो फ्रेंड। उम्मीद है चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है और आज की वीडियो में बता दूं गाइस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको सब्सक्राइबर्स ग्रो करने में प्रॉब्लम आ रही है, जिनके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है जो हार मान चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि मैं अब वीडियो नहीं डालूंगा, मतलब डीमोटिवेट हो चुके हैं। ठीक है, बहुत सी मतलब ऐसी प्रॉब्लम आती है जब हमें सब्सक्राइबर नहीं मिलते, तो कई सिचुएशन से हमारा ये दिमाग गुजरता है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो जिंदगी में, लाइफ में और यूट्यूब कैरियर में कहीं भी कभी मात नहीं खाओगे। ये दो तीन चीजें जो मैं बताने वाला हूं, इस चीज को यहां पे बिठा लेना। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करते हैं टाइम वेस्टेज ना करते हुए। तो कौन लोग यहां पे डीमोटिवेट हो चुके हैं और हो जाते हैं? वो लोग जिनका जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है। भाई ये चीज कड़वी भी लग सकती है उन लोगों के लिए जो ग्रो नहीं हो रहे हैं, भाई ताना मार रहा है भाई, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं राइट चीज बता रहा हूं, अगर आपका एम नहीं है तो आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। इस चीज को बहुत दिल से भी सुनना, दिमाग से भी समझने की कोशिश करना मैं क्या बता रहा हूं। जिंदगी में या यूट्यूब के ऊपर अगर आपको ग्रो होना है तो सबसे पहले आपका एक एम होना चाहिए। विद एग्जाम्पल्स चलेंगे कि एम क्यों होना चाहिए। भाई कुछ टारगेट अगर सेट होगा दिमाग के अंदर तभी तो उसको अचीव करने का आपको मजा आएगा, अगर नहीं होगा तो क्या करोगे, कुछ नहीं फायदा। ठीक है, तो सबसे पहले जिनके सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि कभी भी एकदम से नहीं कुछ भी होता। यूट्यूब है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है मुझे पता है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो तो आपको एक ना एक दिन फायदा जरूर मिलेगा। कितने लोग यहां पे ऐसे हैं कि मैंने जब पहली वीडियो इस चैनल पर डाली थी तब से मुझे देख रहे हैं, कोई भी नहीं होगा। अब मुझे देख रहे हो, सुनो भाई मैंने भी जीरो से शुरू किया है, मुझे भी कोई नहीं देखता था शुरुआत में। अब आप लोग मुझे देख रहे हो क्योंकि यार मैं आप लोगों के लिए एफर्ट्स कर रहा हूं। आप अपने व्यूअर्स के लिए करो, मैं कोई आप लोगों के साथ पैदा थोड़ी हुआ था। आप लोग भी अब मुझे देखना शुरू कर रहे हो कि ठीक है आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा या आपको फायदा होता होगा या अच्छा लगता, कुछ भी मतलब है ना, तो अब देख रहे हो, पहले नहीं देखते थे। क्यों? वैसा ही सेम सिचुएशन उसी स्टेज पे अभी आप हो कि आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन आने वाले टाइम में आपको देखेंगे लोग। देखो मैं एक चीज बताता हूं गाइस, कभी भी किसी क्लास में जैसे हमने एडमिशन लिया, ध्यान से इस बात को सोचना, किसी क्लास में आप लोगों ने एडमिशन लिया, आप स्कूल में हो आप कॉलेज में हो, तो क्या आप दो महीने बाद ये सोचते हो कि मुझे अगली क्लास में बिठा दें या अगले सेमेस्टर में बिठा दें? सिर्फ दो महीने बाद आप ऐसा सोचते हो, और जब आपको टीचर्स दूसरे अगले सेमेस्टर में नहीं बिठाते हैं तो क्या आप डिमोटिवेट हो जाते हो, स्कूल छोड़ के चले जाते हो, कॉलेज छोड़ के चले जाते हो? नहीं ना यार, जो एक प्रोसेस है यूट्यूब ने बनाया 365 डेज का, वो कुछ सोच समझ के बनाया है कि इतना टाइम अप्रॉक्स लग जाता है इस चीज को अचीव करने में। लेकिन आप लोगों के भेजे में क्या होता है भाई, थोड़ा भावनाओं में आ रहा हूं, आपके दिमाग में क्या होता है कि आप लोगों को आज अगर आपने वीडियो डालना शुरू किया तो आप सोचते हो आज ही यहां पे धन राशि प्रकट हो जाए, लक्ष्मी माता की बारिश होने लग जाए। ऐसा नहीं होता, एक महीने में भी नहीं होता, दो में भी नहीं होता, तीन में भी नहीं होता, दो साल में भी नहीं होता कई लोगों के साथ। ठीक है, तो भाई बात ऐसी है, पेशेंस रखना सीखो। किसी भी क्लास को जब तुम पास करते हो तभी अगले स्टैंडर्ड में, अगली क्लास में जाते हो या अगले सेमेस्टर में जाते हो। शॉर्टकट कोई नहीं है, पैसे खिला के क्या तुम पहले चले जाते हो? पैसे तो बहुत भरे भाई फीस के लिए, आपने चैनल बना लिया, आप वीडियोज डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो आपके एफर्ट्स हैं। ठीक है, उनको कोई नहीं नकार सकता, अगर आप दिल से एफर्ट कर रहे हो तो आप जरूर पास होगे। अभी एक चीज बताता हूं स्कूल या कॉलेज की, कि आपको वहां पे मिलते हैं 5 से 6 सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में, हर क्लास में, ध्यान से समझना। अब जब तक आप उन पांचों को पास नहीं करते हो आप अगली क्लास में नहीं जाते हो। ठीक है, होता है ऐसा कि नहीं होता है? एक भी चीज में फेल हो गए तो तुम फेल हो, तुम्हें रिपीट करना पड़ेगा, होता है। फिर यूट्यूब पे तुम ऐसा क्यों सोच लेते हो कि भाई मुझे तो ग्रो होना है, मुझे तो पैसे आने चाहिए, क्यों सोच लेते हो यार? ये गलत बात है ना यार। देखो YouTube भी एक क्लासरूम की तरह है, यहां पे आपको आगे बढ़ने के लिए वो चीजें क्रॉस करनी पड़ेंगी, पास करनी पड़ेंगी, जिस तरह फर्स्ट से सेकंड में होने के लिए कुछ सब्जेक्ट पास करने पड़ते हैं। ठीक है, 10th से 11th में जाने के लिए कुछ सब्जेक्ट पास करने पड़ते हैं, वैसे ही देखो यहां पे क्या चीजें हैं। यहां पे हैं आपके थंबनेल्स, टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, कंसिस्टेंसी जो तुम्हारी है, वीडियो कॉन्टेंट, ऑडियो क्वालिटी, सब चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें जब आप पास कर लोगे, इन पे अपना ग्रिप बना लोगे, तब तुम ग्रो हो जाओगे, नो डाउट। ठीक है,
अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप लोगों को सबको ग्रो होना है लेकिन कोई भी ढंग के टाइटल नहीं लगाता, कोई भी ढंग की डिस्क्रिप्शन तो 99% लोग यहां पे ऐसे हैं जिनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर मैं खोल के देखूं वो खाली हैं, कुछ भी नहीं है उनमें, दो लाइन है चार लाइन है। भाई 5000 लेटर लिखो उसमें, किस लिए रखी है वो, वहां भरा करो उसको यार, कोई भी कीवर्ड अगर किस्मत होगी ना चल जाएगी वीडियो। डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं लिखते हो तुम लोग, मैं तो समझा के थक गया, ठीक है। और बहुत से लोगों को टाइटल नहीं लिखने आता, मैं बहुत बता चुका हूं कैसे करना। भाई कर लो यार, जो चीजें मैं बताता हूं उसमें कमेंट में आके हां जी वाह जी ऐसी ऐसी चीजें लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है। उसको अपने चैनल पर इंप्रूवमेंट के तौर पर करो, तो जो चीज मैं बता रहा हूं उसको अगर तुम अप्लाई नहीं करोगे, बस कमेंट में आगे भाई मैं पहले आ गया, मैंने पहले कमेंट कर दिया, मैंने ये कर दिया, इससे तुम्हारा चैनल ग्रो हो जाएगा? जो चीजें मैं बता रहा हूं उस चीज को अप्लाई तो करोगे, ठीक है। चलो ये रही बात दूसरी। अब ये जो मैंने 4-5 चीजें बताई यूट्यूब की, जब इन पे आपका ग्रिप बन जाता है तो आप अपने आप ग्रो करते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है जब सब चीजें परफेक्ट होंगी। लेकिन अगर नहीं ग्रो कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक है, इसी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत करो। तो सबसे पहले अब मैं एक 3 स्टेप आपको बताऊंगा गाइज, किस तरह से आपको इसकी तरफ आगे बढ़ना है ग्रोथ की। सबसे पहले गोल सेट करो, अपनी एम बनाओ, टारगेट लो कि मुझे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 1 साल हमारे पास हो देता है यूट्यूब, तो हमें 1 साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, मतलब आप पहले भी कर सकते हो, एक टारगेट बना लो, मुझे 365 दिन होते हैं, 1 दिन के मुझे 3 सब्सक्राइबर चाहिए, 1 दिन के 3 चाहिए, हद कुछ भी हो जाए, चाहे पहाड़ टूट जाए, आसमान जो मर्जी हो जाए, ठीक है, बैल चढ़ा दो मेरे ऊपर, पर मुझे 3 सब्सक्राइबर चाहिए। 3 से क्या होगा, 365 से मल्टीप्लाई करो, 1098 सब्सक्राइबर आपके हो जाते हैं 1 साल के अंदर, 365 दिन के अंदर, अगर आप डेली के 3 सब्सक्राइबर्स गेन करते हो। अब बोलते हो जी हमारे तो सब्सक्राइबर ही नहीं आते या कुछ नहीं होता, भाई जो करना करो, तुम्हें सब फॉर सब करना है सब फॉर सब करो, लेकिन सब फॉर सब करने का तरीका बताता हूं। हमेशा अगर सब्सक्राइब के बदले आप सब्सक्राइब करते हो ना, अपनी कैटेगरी के चैनल के साथ करो, क्योंकि अगर आपके कंटेंट में दम होगा ना, कल को वो बंदा आपको ऑटोमेटिकली देखने लग जाएगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, किसी ने नहीं बताई होगी, जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं सभी आज की डेट में जिन लोगों को आप फॉलो करते हो, वो सारे के सारे सब फॉर सब से शुरू किए हैं, वो भी सब्सक्राइब के बदले सब्सक्राइब किए हैं। किसी, मतलब अगर किसी की किसी से बात होती है ना, दिल से पूछ लेना कि जिंदगी में कभी भी सब्सक्राइब के बदले सब्सक्राइब लिया है उन यूट्यूबर से, बताएंगे ठीक है किया है, लेकिन उनके कंटेंट अच्छे थे, लोगों ने उनको पसंद किया, तो वो धीरे 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 उनके एक्टिव सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट हो गए। पहले तो अदला का बदला किया था, फिर उनको अब जरूरत नहीं पड़ती कि कोई हमें सब्सक्राइब करे और हम तुमको करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में सभी कर लेते हैं, तो इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आप करते भी हो तो अपनी कैटेगरी के अंदर करो, ताकि, क्योंकि जब भी आप वीडियो डालोगे उस बंदे को नोटिफिकेशन गलती से चला गया और वो सेम कैटेगरी का है, तो उसका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं जाग जाता है यार कि चलो देख लेता हूं क्या डाला है, ठीक है। तो सब, चाहे कुछ भी करो, 3 सब्सक्राइबर आपको डेली के चाहिए। तो ये तो होगी आपके एम की बात, अगर आप इस तरह से करोगे तो 1 साल में आपको 1098 या फिर कुछ ऐसा ही होता है भाई, देख लेना यार कैलकुलेट करके, चाहिए इतने सब्सक्राइबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर है, आप एक दिन के अगर 10 ले लो कि मुझे एक दिन में 10 सब्सक्राइबर्स अपने चैनल पे लेके आने हैं, जो मर्जी करना पड़े, ग्रुप्स में जाओ शेयर करो या फिर सब फॉर सब करो अपनी कैटेगरी के अंदर, जैसे भी, तो आपके 3 से 4 हजार सब्सक्राइबर हो जाएंगे 1 साल के अंदर। लेकिन भाई अब सबसे पहले तो टारगेट ले लिया कि मुझे इतने सब्सक्राइबर अचीव करने हैं इतने दिन में, अब क्या है उसके लिए प्लानिंग करो, दूसरा पॉइंट प्लानिंग करो, उसको अचीव कैसे करोगे, थंबनेल, हाई क्वालिटी कंटेंट, ऑडियो वीडियो, और वीडियो अपलोड करने की रेगुलर कंसिस्टेंसी की, डेली जब भी, मतलब जो भी एक तरीका है उसके अकॉर्डिंग आप वीडियोस रेगुलर डालोगे, इसी से आपकी वो, ये आपकी प्लानिंग में आ जाता है कि क्या प्लान किया आपने अपने एम को अचीव करने के लिए, ठीक है। जब आप इन 2 पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हो ना अपने आप पे, तीसरा पॉइंट है कि आपको दूसरा फॉलो करना है, पहला अपने आप अचीव हो जाएगा। ध्यान से सुनना, पहले टारगेट सेट किया, गोल बनाया, फिर उसके लिए प्लानिंग की किस तरह से, और तीसरा उनको सिर्फ फॉलो करना है सेकंड को, और आप फर्स्ट अचीव कर लोगे। फर्स्ट क्या है, टारगेट,
वो आराम से हो जाएगा। बस ये चीजें दिमाग में बांध लेना यार, बहुत कोई नहीं बताता है, मैं बहुत मतलब कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। एक क्लास से अगली क्लास में अगर जाना है तो आपको सारे सब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे, आपको प्रॉपर लगाने आना चाहिए थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, बहुत सी चीजें आप जल्दबाजी में छोड़ देते हो कि क्या फायदा यार, चलो कि कहीं पे जाके किसी के कमेंट बॉक्स में बोलते हैं प्रमोट कर दो प्रमोट कर दो, उससे ग्रो हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैंने बहुत ज्यादा पका दिया है, प्लीज अगर ऐसा कुछ हुआ तो कमेंट में जरूर बता देना कि मैंने आपको पकाया। और मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ऐसी ही और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, आप ग्रो करोगे यार, टेंशन मत लो, आप लोग मेहनत करते हो मुझे पता है, लेकिन थोड़ा उस पर डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है, उसको जब तक टारगेट नहीं लोगे तब तक दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो जिसने पहली बार ये वीडियो देखी है सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के साथ, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।